नंबर देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एफ इनवर्स वन को ही निकालने वाले हैं। तो एफ इनवर्स वन किसके इक्वल टू, एक्स के इक्वल टू ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एफ एक्स किसके इक्वल टू हो जाएगा, वन के। तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स का पावर 4, और यहाँ पे ये सी टू सी यानी कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स पे डिफाइन है। तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, इसको इधर लाएंगे, यहाँ एक्स का पावर 4 है जो, इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देता हूँ सबसे अच्छा रहेगा, और -1 का स्क्वायर, एक बार माइनस प्लस में चला जाएगा ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स टू डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में इसके 4 जीरोज होंगे ना जी, इसके 4 आपके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि पावर में यहाँ 4 दिया है, इसलिए मैं 4 को यहाँ निकालूंगा। और इसमें पिछले वाले में क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें वहाँ रियल टू रियल कह रहा था, यहाँ इमेजनरी भी डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -1 = 0 और एक्स स्क्वायर +1 = 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ से एक्स इक्वल टू +-√1, यानी कि +-1 हो जाएगा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 और एक्स इक्वल टू आ जाएगा √+-1, है ना, √, यहाँ +-√1 - 1 आएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आयोटा के ये बराबर होगा। तो यहाँ से हमें एफ इनवर्स 1 का जो वैल्यू है, देखो यहाँ -1 + 1 - iota + iota, ये आपके 4 वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गए। समझ गए?